नमस्कार, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी बनने वाला ब्रेड का स्वादिष्ट नाश्ता। हमने एक प्याज बारीक बारीक काट ली है। और थोड़ी सी पत्ता गोभी और दो हरी मिर्च भी बारीक बारीक काट लेंगे। आप इसमें गाजर और शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम 3-4 चम्मच मेयोनीज मिला लेंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। और 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बाउल में हमने 2-3 चम्मच टमाटो केचप डाला है। अब इसमें 2-3 चम्मच चिली सॉस डाल लेंगे। एक 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपकी इंस्टेंट चटनी बनकर तैयार है। अब एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और चम्मच की मदद से चटनी अच्छी तरह से फैला देंगे। अब इसके ऊपर सब्जी और मेयोनीज का जो मिक्सचर बनाया है उसे अच्छी तरह फैला लेंगे। अब इसके ऊपर एक चीज का स्लाइस रख देंगे। अगर आपके पास चीज़ का स्लाइस ना हो तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। अब दूसरे ब्रेड पर चटनी लगाएंगे। दो 3 चम्मच सब्जी का मिक्सचर फैला देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स छिड़क देंगे। अब इसे ब्रेड के ऊपर लगा लेंगे और हल्के हाथ से दबा देंगे। तवे को हल्का गर्म कर लेंगे और इस पर थोड़ा सा घी लगाकर इसको पलट पलट कर सेक लेंगे। सैंडविच को अच्छी तरह दोनों तरफ से पलट पलट कर क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। सिक जाने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी सैंडविच बनाकर तैयार कर लेंगे और बने हुए सैंडविच को बीच में से काटकर टमाटो सॉस के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट सैंडविच बनकर तैयार है। आप इसे बच्चों के टिफिन में रख सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप भी चीज़ी सैंडविच की रेसिपी जरूर ट्राई करें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।